स्टडीज लेक्चर नंबर 5 चैप्टर नंबर 2 पेज रीडिंग 32 to 35। आज हम इन पेजेस की पहले रीडिंग करेंगे और उसके बाद शॉर्ट क्वेश्चन नंबर 1, 2 and 3 भी सॉल्व करेंगे। ओके, लेट्स गेट स्टार्टेड। ओपन योर बुक्स एट पेज नंबर 32। आउज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। मैं पनाह मांगती हूँ अल्लाह की शैतान के शर से। शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान नहायत रहम करने वाला है। डिफरेंट जब करारदाद पाकिस्तान रेजोल्यूशन के बाद मुख्तलिफ मिशन आए, जिसमें क्रिप्स मिशन भी आया और उसके बाद इंतहाबाद भी हुए जिसमें मुस्लिम लीग बहुत कामयाबी से जीती, तो उसके बाद फिर ये बात फाइनल हो गई कि पाकिस्तान बनकर रहेगा और मुसलमानों की एक ही डिमांड है कि उन्हें सेपरेट होमलैंड चाहिए। फिर उसके लिए आया कैबिनेट मिशन प्लान 1946। इन 1945 लेबर पार्टी कम इन टू पावर इन ब्रिटेन। नोटिसिंग द इंक्रीजिंग पोलिटिकल रेस्टलेसनेस इन इंडिया, द ब्रिटिश प्राइम मिनिस्टर लॉर्ड एटली सेंट अ कैबिनेट मिशन टू इंडिया। दिस मिशन हैड टू बेसिक पर्पसेस। ठीक है, 1945 में लेबर पार्टी बरतानिया में जो थी वो ताकत में आई और उन्होंने देखा कि बरसगीर में बहुत बुरे हालात हैं सियासी तौर पर, तो उन्होंने लॉर्ड एटली को भेजा कैबिनेट मिशन इंडिया में, जिसका पर्पस था, द फर्स्ट पर्पस वाज टू डिटरमाइन द कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस ऑफ इंडिया एंड द फॉर्म ऑफ द गवर्नमेंट। कि कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस जो है आइनी स्टेटस उसको कायम किया जाए और गवर्नमेंट कायम की जाए। द सेकेंड पर्पज़ वाज टू ब्रिज द गैप बिटवीन द मुस्लिम्स एंड द हिंदूज एंड ट्राई टू कन्विंस द मुस्लिम्स टू लिव इन द यूनाइटेड इंडिया, बट द जनरल इलेक्शन प्रूव दैट इट वॉज क्वाइट इम्पॉसिबल। द कमीशन कंसिस्टेड ऑफ 3 मिनिस्टर्स। ठीक है, दूसरा उनका ये पर्पज़ है कि हिंदू और मुसलमानों को समझाया जाए, मुसलमानों कहा जाए कि हिंदुओं के साथ एक मुतहद सब कॉन्टिनेंट में रहे, लेकिन इलेक्शन ये डिसाइड कर चुके थे कि मुसलमान अलग वतन चाहते हैं। 3 मिनिस्टर्स आए थे इसमें, सर स्टीफर्ड क्रिप्स, मिस्टर ए वी अलेक्जेंडर, लॉर्ड पैथिक लॉरेंस। सिंस ऑल द मेम्बर्स बिलोंग टू ब्रिटिश कैबिनेट इट वॉज कॉल्ड कैबिनेट मिशन। चूंकि ये ब्रिटिश कैबिनेट से आए थे तीनों, इसलिए इसको कैबिनेट मिशन कहा जाता है। टॉक्स विद डिफरेंट पॉलिटिकल लीडर्स, मुस्लिम पॉलिटिकल लीडर्स के साथ बातें। द मेम्बर्स ऑफ द कैबिनेट मिशन हेल्ड टॉक्स विद डिफरेंट पॉलिटिकल लीडर्स इन द सब कॉन्टिनेंट। दे एक्सचेंज देयर व्यूज इन द गवर्नर्स एंड द चीफ मिनिस्टर्स, दे फाउंड द व्यूज़ ऑफ गवर्नर जनरल टू। उन्होंने मुस्लिम पॉलिटिकल पार्टी से बातें की, बातचीत की, गवर्नर्स और चीफ मिनिस्टर से भी बात की और गवर्नर जनरल से भी। बोथ मेजर पार्टीज मुस्लिम लीग एंड कांग्रेस हैड क्लियर व्यू पॉइंट। मुस्लिम लीग डिक्लेयर दैट द ओनली सोल्यूशन टू द इशू वॉज द पार्टीशन ऑफ द सब कॉन्टिनेंट एंड द क्रिएशन ऑफ पाकिस्तान। लेकिन दोनों पार्टीज़ अपने अपने मुद्दे पर कायम रही। मुस्लिम लीग ने कहा कि इसका एक ही हल है कि पाकिस्तान कायम किया जाए। ऑन द अदर हैंड, दूसरी तरफ कांग्रेस ऑन द बेसिस ऑफ सिंगल नेशन स्ट्रांगली अपोज एनी टाइप ऑफ पार्टीशन इन द साउथ एशिया। इट निगेटेड द टू नेशन थ्री एंड डिनाइड द आइडिया ऑफ पाकिस्तान हार्शली। कांग्रेस ने कहा कि ये एक ही वतन है, यहाँ पर हम ही आज़ादी हासिल करेंगे, टू नेशन थ्री गलत है और पाकिस्तान का जो मुतालबा है वो भी गलत है। द कंडीशन ऑफ टेंशन प्रिवेल्ड इन द टॉक्स बिकॉज वाइल सेंडिंग द मिशन इन टू इंडिया द ब्रिटिश प्राइम मिनिस्टर मेड अ स्टेटमेंट इन द पार्लियामेंट दैट नो माइनॉरिटी वुड बी हैव द राइट टू एक्सरसाइज द वीटो पावर एंड इट विल नॉट बी अलाउड टू क्लोज द पाथ ऑफ द नेशनल डेवलपमेंट। कि उन कैबिनेट मिशन आने से पहले ही वहाँ के प्राइम मिनिस्टर जो मिनिस्टर था उसने कह दिया था कि कोई भी वो लोग जो कम तादाद में हैं वीटो की पावर को इस्तेमाल नहीं कर सकते। कांग्रेस वॉज मच प्लीज्ड विद दिस स्टेटमेंट बट कायदे आजम क्रिटिसाइज इट इंटेंसली। इससे कांग्रेस खुश हुई क्योंकि वो तो ज़्यादा तादाद में थे, लेकिन कायदे आजम ने इसको क्रिटिसाइज किया। कायदे आजम रिस्पॉन्डेड दैट मुस्लिम लीग इज स्ट्राइविंग फॉर द प्रोटेक्शन ऑफ द राइट्स ऑफ द मुस्लिम्स एंड इट वॉन्ट्स टू रिजॉल्व द कॉन्स्टिट्यूशनल इशूज ऑन द बेसिस ऑफ टू नेशन थीरी। ड्यूरिंग द डायलॉग विद मिशन कायदे आजम सेड द सब कॉन्टिनेंट इज नाइदर अ कंट्री नॉर इट इज अ होमलैंड ऑफ अ सिंगल नेशन। द मुस्लिम्स आर अ नेशन विद सेपरेट आइडेंटिटी दैट हैज़ ऑल द राइट टू डिसाइड द फ्यूचर ऑफ इट्स ऑन। ठीक है, कायदे आजम ने मुस्लिम लीग में कहा कि मुस्लिम लीग जो है वो दिन रात मेहनत कर रही है सिर्फ मुसलमानों के हकूक़ के लिए, और मुस्लिम बरसगीर जो है सिर्फ एक ही नेशन का, एक ही कौम का होमलैंड नहीं है। यहाँ पर मुस्लिम अलग कौम है और हिंदू अलग कौम है और हम अपना राइट जो है अपना हक हासिल करके रहेंगे। प्रोपोजल ऑफ कैबिनेट मिशन, फिर कैबिनेट मिशन ने एक प्रोपोजल दिया।
द मेंबर्स ऑफ द कैबिनेट मिशन मेट द लीडर्स ऑफ ऑल इंडियन पॉलिटिक्स एंड टू फाइंड देयर पॉइंट ऑफ व्यू, बट दे कुड नॉट रीच एनी रिजल्ट. ऑन 16 मई 1946 द मेंबर्स ऑफ द कैबिनेट मिशन अनाउंस्ड अ प्लान ऑफ देयर ओन. द सेलेंट फीचर्स ऑफ द प्लान वर एज अंडर. ठीक है, कैबिनेट मिशन के लोग मुदली पार्टीज के लीडर से मिले, लेकिन कोई हतमी फैसला न हुआ. 16 मई 1946 को उन्होंने अपना एक जो था मिशन वो जो था अनाउंस किया, और उसके कुछ फीचर्स मुदरजा झैल हैं. सब कॉन्टिनेंटल यूनियन, बरेसगीर एक है, द मैनी प्रोविंसेस एंड सेवरल स्टेट्स. अ फेडरेशन शुड बी फॉर्म्ड. द यूनियन शुड डील विद द सब्जेक्ट्स ऑफ डिफेंस, फॉरेन अफेयर्स एंड कम्युनिकेशन. उन्होंने कहा बरेसगीर एक यूनिट है जिसमें मुदली प्रोविंसेस हैं, मुदली स्टेट्स हैं, और इसमें एक फेडरेशन कायम की जाएगी, मेन हुकूमत जो होती है, जो कि डिफेंस, फॉरेन और कम्युनिकेशन के अफेयर्स को देखेगी. द यूनियन शुड हैव द पावर टू रेज द फाइनेंस रिक्वायर्ड फॉर द अबव सब्जेक्ट्स. और यूनियन के पास पावर होगी कि वो इनको फाइनेंस वगैरह दे. ऑल सब्जेक्ट्स अदर देन द यूनियन सब्जेक्ट्स शैल बी वेस्ट विद द प्रोविंसेस. इसके अलावा बाकी तमाम मामला जो है वो प्रोविंसेस के साथ तय पाएंगे. फॉर्मेशन ऑफ प्रोविंशियल ग्रुप्स. प्रोविंशियल ग्रुप बना दिए उन्होंने. द प्रोविंसेस ऑफ इंडिया वेयर टू फॉर्म थ्री ग्रुप्स. ठीक है, इंडिया में जितने भी प्रोविंसेस थे उनके तीन ग्रुप्स बनाए. ग्रुप ए हिंदू मेजोरिटी प्रोविंसेस ऑफ मदारस, बॉम्बे, मुंबई, यूपी, सीपी, बिहार एंड उड़ीसा. ग्रुप ए में हिंदुओं की वो इलाके जहाँ वो ज़्यादा तादाद में है वो आए. ग्रुप बी मुस्लिम मेजोरिटी प्रोविंसेस लाइक पंजाब, नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर प्रोविंस, बलोचिस्तान एंड सिंध. ग्रुप बी में मुस्लिम मेजोरिटी के जो इलाके थे वो आए. ग्रुप सी बंगाल एंड असम. ग्रुप सी में बंगाल और असम आ गया. इट शुड बी अ यूनियन ऑफ न्यू नेचर फॉर्मिंग सेंट्रल ऑर्गेनाइजेशन, प्रोविंशियल ऑर्गेनाइजेशन एंड ग्रुप ऑर्गेनाइजेशन. ये कहा गया कि इस यूनियन में सेंट्रल, प्रोविजनल और ग्रुप ऑर्गेनाइजेशन बनाई जाएंगी. द पावर्स ऑफ यूनियन एंड प्रोविंस वर एक्सप्लेन्ड इन द प्रपोजल्स ऑफ कैबिनेट मिशन. इसमें बताया गया कि यूनियन और प्रोविंसेस की जो पावर्स हैं वो क्या हैं. बट सो फार एज द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर्स बिटवीन प्रोविंशियल एंड ग्रुप ऑर्गेनाइजेशन वर कंसर्न्ड, इट वाज सेड दैट दीज विल बी डिसाइडेड बाय द प्रोविंशियल एंड ग्रुप ऑर्गेनाइजेशन देमसेल्व्स. और इनके बारे में कहा गया कि इनकी पावर्स जो हैं ये खुद आपस में बैठकर डिसाइड कर लेंगे. द प्रोविंसेस एंड स्टेट्स विल बी गिवन सीट्स इन द सेंट्रल लेजिस्लेचर एज वेल एज इन द कैबिनेट ऑन द बेसिस ऑफ देयर पॉपुलेशन. कीपिंग इन व्यू द प्रोपोर्शन ऑफ पॉपुलेशन ईच प्रोविंस विल बी गिवन रिप्रेजेंटेशन. उन्होंने कहा कि इनको सेंट्रल लेजिस्लेचर में भी और कैबिनेट में भी जो है सीट्स मिलेंगी, लेकिन इनकी पॉपुलेशन आबादी के मुताबिक. और अगर आबादी के मुताबिक देखा जाता तो ये जो था हर आबादी के मुताबिक हर इलाके को रिप्रेजेंट किया जाएगा, तो हिंदुओं के पास नो डाउट ज़्यादा सीट्स जाती. नंबर थ्री, इलेक्शन ऑफ सेंट्रल लेजिस्लेचर. इलेक्शन हुए फिर इसके, द मेम्बर्स ऑफ प्रोविंशियल असम्बलीज विल इलेक्ट द सेंट्रल लेजिस्लेचर. सेंट्रल लेजिस्लेचर को प्रोविंशियल असम्बली जो है वो सिलेक्ट करेगी. द सेंट्रल सेंट्रल लेजिस्लेचर विल फ्रेम द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द होल ऑफ द कंट्री. आफ्टर द सेंट्रल कॉन्स्टिट्यूशन इज फ्रेम्ड, ऑल द थ्री प्रोविंसेस ग्रुप विल अपीयर प्रिपेयर देयर ओन कॉन्स्टिट्यूशन. ठीक है, जो मरकजी हुकूमत है वो एक आइन तैयार करेगी जो पूरे मुल्क में चलेगा, और उसके बाद जो सूबाई हुकूमतें हैं वो अपना अपना आइन तैयार करेंगी. इंटरिम गवर्नमेंट अबूरी हुकूमत एंड इंटरिम गवर्नमेंट वुड बी सेट अप इमीडिएटली. फौरन अबूरी हुकूमत कायम की जाए. दिस गवर्नमेंट विल रन द सिस्टम टिल द कॉन्स्टिट्यूशन इज फ्रेम्ड. और ये तब तक हुकूमत चलाएगी जब तक आइन नहीं बन जाता. द इंटरिम गवर्नमेंट विल कंसिस्ट ऑफ द रिप्रेजेंटेटिव ऑफ मेजर पार्टीज. और इस गवर्नमेंट में जो मेजर बड़ी बड़ी पार्टीज हैं उनके लीडर्स जो हैं वो शामिल होंगे. ऑल द मिनिस्टर्स एंड इन द इंटरिम गवर्नमेंट विल बी लोकल. तमाम मिनिस्टर्स जो इंटरिम में लोकल होंगे. नो ब्रिटिश विल बी इंक्लूडेड इन द कैबिनेट. कैबिनेट में कोई ब्रिटिश इंक्लूड नहीं होगा. द कैबिनेट विल हैव ऑटोनॉमी इन एडमिनिस्ट्रेटिव अफेयर्स. आफ्टर द सेंट्रल कॉन्स्टिट्यूशन इज फ्रेम्ड, एनी प्रोविंस कुड चेंज इट्स ग्रुप इफ इट इज थॉट नेसेसरी. ठीक है, कैबिनेट के पास जो है तमाम एडमिनिस्ट्रेटिव अफेयर्स होंगे, और कॉन्स्टिट्यूशन आइन बनने के बाद कोई भी प्रोविंस अगर चाहे तो वो अपना ग्रुप चेंज कर सकता है, ग्रुप ए बी या सी में आ सकता है. Every province would be empowered to join the group of its own choice. और हर ग्रुप, हर एक को प्रोविंस को आज़ादी है कि वो अपनी मर्जी का ग्रुप ज्वाइन करे. सेपरेशन फ्रॉम यूनियन. इफ़ वन और टू प्रोविंस फ्राम द थ्री ग्रुप्स ऑफ प्रोविंसेज डिसाइड टू सेपरेट फ्राम द यूनियन, दे कुड डू सो आफ्टर 10 ईयर्स. उन्होंने कहा अगर इनमें से कोई अपने अलग मुल्क बनाना चाहता है तो ये 10 साल बाद कर सकेगा. दिस पॉइंट ग्रांटेड द राइट टू द मुस्लिम्स मेजोरिटी एरियाज ऑफ ग्रुप बी एंड ग्रुप सी टू मेक पाकिस्तान आफ्टर 10 ईयर्स. इस पॉइंट से मुसलमानों को ये पॉइंट मिल गया ग्रुप ए बी और सी के वो 10 साल बाद पाकिस्तान बना सके. थस द प्रोसेस ऑफ पार्टीशन विल कम्प्लीट ऑटोमेटिकली. तो पार्टीशन का प्रोसेस भी कम्प्लीट हो जाएगा. दोनों तरफ से वो काम कर रहे थे. वीटो पावर टू अपीज एंड काम डाउन द कांग्रेस. कांग्रेस को खुश करने के लिए
अपॉइंट वॉज एडिड, एक पॉइंट ऐड कर दिया कि टू द प्रपोजल में मेड बाय कमीशन, कमीशन ने जो बनाया था, दैट इफ़ अ पॉलिटिकल पार्टी डिसलाइक्स द प्रपोजल गिवन बाय द कैबिनेट मिशन इट कैन वीटो इट। अगर कोई भी पार्टी इसके खिलाफ जाती है तो वो इसके वीटो कर सकती है, अपने आप को विदड्रॉ कर सकती है। हाउ एवर द राइट टू ज्वाइन द इंटरिम गवर्नमेंट, लेकिन उसके बाद अबूरी हुकूमत को ज्वाइन करने का विल बी गिवन ओनली पार्टी टू दैट पार्टीज विच पार्टीज को दिया जाएगा जो इस प्रपोजल को एक्सेप्ट करेंगे। मतलब जो निकल गया वो निकल गया। द थॉट दैट एज द डिमांड ऑफ मुस्लिम लीग पाकिस्तान इज नॉट बीइंग एक्सेप्टेड सो इट विल रिजेक्ट द प्रपोजल, इस ये सिर्फ इसलिए कहा गया कि जो कि मुसलमान जो है, मुस्लिम लीग जो है, हमारी इन बातों को नहीं मानेगी तो वो यकीनन इसके खिलाफ जाएगी, तो फिर वो हमारी इंटरिम गवर्नमेंट में भी शामिल नहीं हो सकेगी। थस कांग्रेस विल अप्रूव द कैबिनेट मिशन प्लान टू फॉर्म द सेंट्रल इंटरिम गवर्नमेंट अलॉन। तो कांग्रेस ने फौरन जो है इसको अप्रूव कर दिया कि सेंट्रल इंटरिम गवर्नमेंट बना दी जाए। रिएक्शन ऑफ द पॉलिटिकल पार्टीज टू द कैबिनेट मिशन, फिर पॉलिटिकल पार्टीज का रिएक्शन क्या है? इंडियन नेशनल कांग्रेस एज एन इमीडिएट रिएक्शन, द पॉलिटिशियंस ऑफ कांग्रेस लाइक द कैबिनेट मिशन प्लान मच, कॉमन मेंबर्स ऑफ कांग्रेस सेलिब्रेटेड इन स्ट्रीट्स एंड बाजार्स, नेहरू सेड दैट प्लान हैड बरीड इन पाकिस्तान ऑफ जिना। ठीक है, फौरन ही कांग्रेस ने इसको मान लिया कैबिनेट मिशन के प्लान को, और गलियों और बाजारों में जो थी कामयाबी जो थी वो सेलिब्रेट की जाने लगी, और नेहरू ने कहा कि जिना का पाकिस्तान दफन हो गया, पाकिस्तान का प्लान दफन हो गया। मुस्लिम लीग ने क्या किया, द मेंबर्स ऑफ मुस्लिम लीग वर फ्रस्ट्रेटेड, मुस्लिम लीग के जो मेंबर्स थे वो बहुत ज़्यादा तजबुजल का शिकार हुए। दे थॉट दैट देयर वाज नो मेंशन ऑफ पाकिस्तान इन द प्लान एंड द डिमांड ऑफ मुस्लिम लीग वाज रिजेक्टेड। उन्होंने कहा कि इसमें पाकिस्तान का तो कहीं प्लान है ही नहीं है, और हमारी डिमांड को तो रिजेक्ट कर दिया गया। कायदे आजम सेट कायदे ने कहा, आई रिग्रेट दैट द मिशन शुड हैव रिजेक्टेड द मुस्लिम डिमांड फॉर द एस्टेब्लिशमेंट ऑफ अ कंप्लीट सॉवरीन स्टेट ऑफ पाकिस्तान विच वी विल स्टिल होल्ड इज द ओनली सोल्यूशन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशनल प्रॉब्लम ऑफ इंडिया। उन्होंने कहा कि मैं इसकी मुजाहमत करता हूँ कि कैबिनेट मिशन मिलान ने हमारे पाकिस्तान के लिए जो डिमांड थी हमारी उसको रिजेक्ट किया है, और आज भी हम अगर आपका आईनी प्रॉब्लम्स का सोल्यूशन चाहते हैं तो इसी बात पर कायम है। ठीक है, आगे आगे शॉर्ट क्वेश्चन आंसर्स। क्वेश्चन आंसर नंबर 1, 2, 3, यहाँ पर मैंने आपको बुक का पेज नंबर भी दे दिया है। जैसे क्वेश्चन आंसर, शॉर्ट क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर आपको बुक पेज नंबर 31 पे मिलेगा, और यहाँ से लेकर यहाँ तक मैंने मार्किंग भी कर दी है टाइम शॉर्ट होने की वजह से। अब मैं ये अगेन रीड नहीं करूँगी क्योंकि ये आपको मैं ऑलरेडी पहले रीड करवा चुकी हूँ। इनको ये आप मार्क कर लीजिएगा यहाँ से वीडियो पॉज करके, और फिर लर्न कीजिएगा। विच रेजोल्यूशन वॉज प्रेजेंटेड बाय द चीफ मिनिस्टर बंगाल मिस्टर हुसैन शहीद सहरवर्दी इन द कन्वेंशन ऑफ असेंबली मेंबर्स इन 1946। ठीक है, उन असेंबली ऑफ मेंबर्स की जो कन्वेंशन हुई थी 1946 में, उसमें मिस्टर हुसैन शहीद सहरवर्दी ने कौन सी करारदाद पेश की थी जो चीफ मिनिस्टर थे बंगाल के? इसका आंसर है बुक के पेज नंबर 31 पे, एज अ रिजल्ट से लेकर पाकिस्तान विदाउट डिले तक। ओके, इसको मार्क कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन 2 है, नरेट 3 प्रपोजल्स ऑफ क्रिप्स मिशन, क्रिप्स मिशन के 3 प्रपोजल लिखने हैं। ये इसका आंसर आपको पेज नंबर 23 पे मिलेगा। ये देखिए 1, 2, 3 एंड 4 प्रपोजल्स हैं, इनमें से आपको एक चॉइस में मैंने दे दिया, तीनों चार में से कोई से 3 प्रपोजल्स जो हैं वो आपने लिखने हैं और याद करने हैं। मोस्टली बच्चे जो हैं वो ज़्यादा लेंथी प्रपोजल को स्किप करते हैं, ये बाप की अपनी चॉइस है कि आप क्या करते हैं। बहरहाल ये पेज नंबर 23 पर है, और यहाँ से आपने 3 प्रपोजल्स इसके लर्न करने हैं, इसको मार्क कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वाइल प्रिसाइडिंग ओवर ऑल इंडिया मुस्लिम लीग सेशन एट लाहौर इन 1940, कायदे आजम आइडेंटिफाइड द डायरेक्शन फॉर द स्ट्रगल ऑफ द मुस्लिम्स राइट एंड 3 पॉइंट्स ऑफ द एड्रेस। 1940 में जब करारदाद पाकिस्तान लाहौर हुई तो उसमें कायदे आजम ने मुसलमानों की जो थी कोशिशों का जो थी डेस्टिनेशन जो थी उनकी डायरेक्शन जो थी मंजिल का तरफ जो सीमित थी उसको तयन किया था। कोई से 3 पॉइंट्स लिखिए, ये देखिए ये आपको मिलेगा पेज नंबर 21 एंड 22 पे, कायदे आजम रहमतुल्लाह प्रेजिडेंशियल एड्रेस, शॉर्ट क्वेश्चन आंसर नंबर 3। इसके 1, 2 एंड 3 पॉइंट्स यहाँ पर दिए गए हैं, आप इनमें लिख सकते हैं, बल्कि ये 3 ही इन्होंने डिमांड की हैं तो आपने ये 3 पॉइंट्स ही करने हैं। ओके, पेज नंबर 21 से ये क्वेश्चन स्टार्ट हो रहा है और पेज नंबर 22 पे ये क्वेश्चन खत्म होगा। ओके, डायरी प्रिपेयर 5 शॉर्ट क्वेश्चन आंसर एंड 5 एमसीक्यूज फ्रॉम द रीडिंग। जो रीडिंग मैंने आपको पढ़ाई है उसमें से 5 शॉर्ट क्वेश्चन आंसर्स और 5 एमसीक्यूज प्रिपेयर करें। डू होमवर्क ऑफ एमसीक्यूज शॉर्ट क्वेश्चन आंसर एंड एक्सरसाइज शॉर्ट क्वेश्चन आंसर 1, 2 एंड 3 ऑन योर रजिस्टर। लर्न द कम्प्लीट वर्क, 5 एमसीक्यूज 5 शॉर्ट क्वेश्चन आंसर्स जो आपने रीडिंग में से बनाने हैं उनका होमवर्क करना है, और उसके बाद एक्सरसाइज शॉर्ट क्वेश्चन आंसर नंबर 1, 2, 3 जिनके आंसर मैंने आपको मार्क करवाए हैं इनका भी आपने अपने रजिस्टर पर होमवर्क करना है, और फिर इस कंप्लीट वर्क को आपने अच्छी तरह से
लर्न भी करना है। ओके स्टूडेंट्स, बेस्ट ऑफ लक, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।